हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आरिज व्लॉगर पे। अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे हंगरी के और यूक्रेन के बॉर्डर पे। यहाँ से जो हंगरी की डिस्टेंस है वो हार्डली जो है 10 से 15 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये यूक्रेन की अभी एकमात्र ऐसी सिटी है जहाँ पे जब से वॉर शुरू हुआ है ना तो एक भी बॉम्ब आया है, ना एक भी रॉकेट आया है, ना ही किसी तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम है। मज़े से म्यूज़िक चल रहा है, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है इस जगह पे, सिर्फ इस पर्टिकुलर सिटी में जिसका नाम है उजगोरोद। और यहाँ की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो हार्डली 2 से 2.25 लाख के बीच में यहाँ की पॉपुलेशन है। और ये एक बॉर्डर है जहाँ से आप 2 कंट्रीज़ में जा सकते हो, हंगरी या स्लोवाकिया। हंगरी का जो बॉर्डर है वो हार्डली यहाँ से मैक्सिमम 20 किलोमीटर और आई थिंक कि इतना ही स्लोवाकिया का, एक ट्रायंगल की तरह है। एक बॉर्डर यूक्रेन का, दूसरा जो है वो हो गया अपना हंगरी का, और तीसरा जो है वो स्लोवाकिया का। मैं इस सिटी में पहले भी आ चुका हूँ लेकिन मैं कभी यहाँ पे रुका नहीं हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा कुछ शेयर करने के लिए है नहीं। अगर आप लोग यूक्रेन आना चाहते हो और यहाँ से अगर यूरोप मूव होना चाहते हो तो आपके पास मेरी तरफ से ही आखिरी मौका है, क्योंकि मैं कुछ दिन और हूँ यूक्रेन में, उसके बाद मैं किसी दूसरी कंट्री में मूव हो रहा हूँ और मुझे नहीं पता है कि मैं वापस यूक्रेन कब आऊँगा। तो एक बार आप बोल सकते हो कि टेम्प्ररी मैं यूक्रेन को छोड़ करके जा रहा हूँ। किस कंट्री में जाऊँगा इसका अभी मुझे पता नहीं है। मैं अभी उजगोरोद में हूँ और इस रीज़न को बोला जाता है ज़करपातिया रीज़न। और यहाँ पे नाइट कर्फ्यू भी नहीं है, यहाँ पे वॉर से कोई मतलब नहीं है। यूक्रेन एक अपनी तरफ और ये जो जगह है ये एक अपनी तरफ, इसका वॉर से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है यहाँ पे वॉर का। जैसे लाइफ नॉर्मल पहले थी वॉर से, बिल्कुल वैसे ही चल रही है। तो अगर आप लोग यूक्रेन आना चाहते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, स्क्रीन पे आपको मेरा इंस्टा नज़र आ जाएगा, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ कि यूक्रेन का जो वीज़ा है वो भी अभी 100% सिक्योरिटी के साथ लग रहा है। और यहाँ पे आने के बाद आप लोग अपना यूरोप का, पोर्चुगल का, पोलैंड का, या फिर स्लोवाकिया का, या फिर हंगरी का, जहाँ का दिल करे वहाँ का आप लोग ट्रांजिट वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हो। आई डोंट नो कि ट्रांजिट वीज़ा आपको कितने दिन का मिलेगा, लेकिन हाँ, लीगल तरीके से आप अगर एक बार यूरोप पहुँच गए तो पोर्चुगल में जा करके वो वीज़ा आपका मैटर नहीं करता है कि आप वहाँ पे लीगल हो या इलीगल हो। अगर आप वहाँ पे लीगल स्टेटस पे जाते हो, आप अपना सारा प्रोसेस वहाँ पे इजीली कर सकते हो। जाने वाले इलीगल भी जाते हैं, लेकिन उस चीज़ के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ। तो बस यही एक प्यारा सा शहर है, पतली पतली यहाँ की गलियाँ हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो मैं घर के गलियारे में चल रहा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो डाली है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी।